सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। बिहार सिविल कोर परीक्षा 2024 प्यून और कलर एग्जाम को लेकर यूट्यूब पर इतना बवाल क्यों? आखिर एग्जाम कब हो रही है? जानिए पूरी जानकारी जल्दी से इस वीडियो में। दोस्तों आज से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको बताए थे जो 22 दिसंबर की एग्जाम नहीं होने जा रही है, प्यून और कलर की एग्जाम ऑनलाइन होने जा रही है। 4 से 5 एजेंसी की बातचीत हुई है बट अभी फाइनल नहीं हुई है। जैसे ही फाइनल होती है तो हम फिर से आपको नए वीडियो में अपडेट कर देंगे। वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ उसके बाद से लोगों को स्थिति खराब हो गई। जो सुबह से लेकर शाम तक आपको प्यून और कलर का एग्जाम करवा रहे थे, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको पर डे अपडेट दे रहे थे, पर डे न्यूज दे रहे थे, लोगों को स्थिति खराब हो गया। भाई हम तो 22 दिसंबर को बताए थे, अब 22 दिसंबर को ये बोल रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, तो फिर लोग तो मेरा वीडियो देखेगा नहीं, लोग तो हमें गलत साबित करेगा। वह वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? एक बार वीडियो हम दिखा देते हैं फिर हम बात करेंगे आगे जो आखिर एग्जाम कब होगी। तो दोस्तों आप तो जानिए रहे हैं ये मेरा चैनल है पीएचडी की क्लासेज, इस पर आपको क्लिक करेंगे और वीडियो वाला आपको सेक्शन में आ जाना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वाला आपको सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही वीडियो वाला आइएगा थोड़ा सा नीचे आपको जाना है, क्योंकि हर एक एग्जाम के बारे में, हर एक वैकेंसी के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 3 दिन पहले आपको देख लीजिए 2600 लोग देखा है। इसमें हम आपको दिए थे बिहार सिविल कोर परीक्षा 2024 कलर का एंड प्यून, 22 दिसंबर को नहीं होगी परीक्षा, एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी, एजेंसी का चयन हो गया, जल्दी से जाने पूरी जानकारी। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ और लोगों को स्थिति खराब हो गई। भाई इनको कैसे पता चल गया जो 22 दिसंबर की एग्जाम नहीं होगी, इनको कैसे पता चल गया जो एग्जाम ऑनलाइन होगी, लोगों को स्थिति खराब हो गई। अब लोग तरह तरह के बातें करने लगे मेरे बारे में, समझे? जो गलत न्यूज देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, फलामा ठिकाना ढिमकाना लोग अपने हिसाब से बोलने लगे। बार बार हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, बार बार कह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आप हमसे जुड़े हुए हैं या कहीं भी आपको जो है यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं, देखना मना नहीं है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। अगर लोग मेरा नाम लेके किसी को टीआरपी मिल रही है तो कहिए लेने के लिए, क्योंकि अभी बीटीसी एनएम 10709 में देखिए पर डे हजारों वीडियो बनता है और हर एक वीडियो मेरा नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है जो पप्पू भाई का नाम लेंगे तो वीडियो चलेगी, क्योंकि सबको पता है बिहार में एनएम वाले पप्पू सर, ठीक है, एनएम वाले जो है एनएम का भाई पप्पू, ऐसे आप जैसे जानते एनएम वाले पप्पू भाई या 32127 एनएम बहनों का भाई पप्पू, ऐसे भी डालिएगा तो यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगी, समझे कि नहीं? तो इसको लेके अभी बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो इसको लेके अब जो है सिविल कोड पर हम वीडियो बना दिए, लोग परेशान है, लोग परेशान है, क्योंकि आप बीटीसी एनएम 10709 नहीं डाल के आप लिखिएगा एनएम वाले पप्पू भाई, समझे, एनएम के भाई पप्पू आप डालिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगी मेरा, समझे कि नहीं? क्योंकि हम लोग पटना हाईकोर्ट को सिंगल बेंच डबल बेंच में जीते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं, शुरुआत से लगे हुए हैं, सभी एनएम बहन सपोर्ट भी करती है, समझे कि नहीं? जब इस पर वीडियो बनाए तो लोगों को हालत खराब हो गया। अरे भाई जिस समय आप यूट्यूब पर नहीं थे ना, जिस समय आप यूट्यूब पर नहीं थे उस समय से हम सिविल कोर्ट पर वीडियो बना रहे हैं, आप हमको क्या चैलेंज कीजिएगा? जिस समय आप यूट्यूब पर नहीं थे उससे पहले हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए और जाके देखिए, जिस समय वैकेंसी आई थी उसी समय से अभी तक हम वीडियो बना रहे हैं, आपसे ज्यादा ही सिविल कोर्ट के बारे में जानकारी होगी, इसीलिए जो आप क्या आम इमली कटहर यूट्यूब पर दे रहे हमको कोई मतलब नहीं। टारगेट करने का मतलब है सीधा सीधी टारगेट कीजिए, ऐसे घुमा फिरा के क्यों टारगेट कर रहे हैं? कोई भी टीचर हो हमको कोई मतलब नहीं है, किसी टीचर से मतलब नहीं है, समझे? आप भी न्यूज देते हैं, हम भी देते हैं, बच्चे को जहां माने वहीं देखेंगे, समझे? और बच्चे को कभी किसी टीचर के बारे में गलत फहमी मत पैदा किया कीजिए बच्चे के मन में, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, खैर छोड़िए, टॉपिक पर बात करते हैं, दूसरे का दूसरा क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सही है तो बोलने दीजिए। देखिए हम आपको पिछले वीडियो हम आपको दिखा दिए क्या बोले थे, अभी भी हम आपको यही बात बोलेंगे, जो प्यून का एग्जाम हो या कलर का एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि सिविल कोड डायरेक्ट बोल दिया है, ठीक है, सिविल कोड डायरेक्ट आपको बोल दिया है हम एग्जाम लेने में असमर्थ है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम हम नहीं ले सकते, एग्जाम जब भी होगी तो ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब रही 22 दिसंबर को एग्जाम होगी या नहीं होगी,
दोस्तों 99% चांस है आपको एग्जाम नहीं होगी, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए, याद आप कीजिए, जो स्टेनोग्राफर है कोर्ट लीडर का, ढाई महीना पहले, ढाई महीना आपको पहले जो है एग्जाम के लिए नोटिस आई थी, याद कीजिए पिछला साल, ठीक है। अगला महीना एग्जाम है, अभी तक कहीं से कोई पता नहीं। 28 अक्टूबर को आपको मीटिंग हुई है, 28 अक्टूबर को आपको मीटिंग हुई है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। हम बोले थे जैसे ही आपको एजेंसी मिल जाती है तो लगभग 15 नवंबर तक जो है ना, हम ये बोले थे 15 नवंबर तक आपको जो है ऑफिशियल साइट पर नोटिस देखने को मिलेगी, ये हम आपको बोले थे, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी हम आपको यही बोल रहे हैं, ये वीडियो हम नहीं बनाते, लोग मेरे बारे में तंत्र कस रहे थे जो गलत न्यूज दे रहे हैं, हर दे रहे, कौन गलत न्यूज दे रहे हैं वो तो बच्चे ही पकड़ लिए, समझे। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है किसी बच्चों को, बार बार करें आपको पढ़ाई करना है, हर्षी करना है, जब जो अपडेट आता है हम आपको दे ही देते हैं, समझे कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ले, जो बच्चे हमसे नाराज है गलत कमेंट करते हैं, ठीक है बाबू, जब एग्जाम डेट आ जाएगा हर चीज आ जाएगा, जब एग्जाम ऑनलाइन होगा तो देख लेना, ठीक है। जो आपके मन में आता है वही आप कमेंट कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं। मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हमेशा सही, बार बार कहते हैं हम सिविल कोर्ट का जो है ना स्टाफ नहीं है, नहीं कमेटी का मेंबर है, जो भी जानकारी कोई भी आपको जो है ना आयोग के बारे में देगा जानकारी, तो वह 50% 60% ही देगा, कोई अपना गला नहीं फंसाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक वीडियो में हम ये बात बोलते हैं, जो कोई अपना गला नहीं फंसाएगा, कोई अपना जॉब को खतरे में नहीं डाल के आपको न्यूज देगा, समझे। तो जहां से भी न्यूज मिलती है तो 50 से 60% ही लोग हमें बताता है ये होगा पप्पू भाई, ये होगा पप्पू भाई, ये होगा, तो हम आपको बता दिए हैं जो एग्जाम जब भी होगी एग्जाम ऑनलाइन होगी, और ये 22 दिसंबर की एग्जाम नहीं होने जा रही है, ठीक है। 99% हम आपको बता दिए, 1% इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जो सिविल कोर्ट है कब क्या करता है किसी का नहीं पल्ले पड़ता है, कब क्या करता है किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ता, समझे कि नहीं। इसलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, हर चीज कीजिए, जल्दी मेरा वीडियो नहीं आता है, आप लोग देख लीजिए, ये वीडियो लाने का रीजन है, बार बार कॉल और मैसेज मेरे पास किया जाता था बच्चे के द्वारा, जो सर आपके बारे में ये बोले आपके बारे में वो बोले, अब कोई भी हो हमको उससे क्या मतलब, और जो भी बोल रहे हैं थोड़ा सही से बोलेंगे, नहीं तो फिर हम रिलाई करेंगे तो हो जाएगा काम सत्यानाश, समझे। इसीलिए आप भी न्यूज दे रहे हैं, सोशल मीडिया है, हम भी दे रहे हैं, तो आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको जो पता होता है आप देते हैं, हमें जो पता होता है हम देते हैं, इसमें लड़ने की क्या बात, मेरा बात सही हुआ किसी की बात गलत हुआ ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मिलके यही चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाए, जल्द से जल्द जो है बच्चे को जॉब हो, सब लोग यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, 15 नवंबर तक अगर, फिर से बोलते हैं 15 नवंबर तक अगर एजेंसी का चयन हो जाता है, समझे, तो आपको नोटिस देखने को मिलेगा, अगर एजेंसी का चयन नहीं होता है तो नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, डायरेक्ट बोलते हैं अगर एजेंसी का चयन हो जाता है तो नोटिस आपको देखने को मिलेगी, अगर एजेंसी का चयन नहीं होता है तो नोटिस नहीं। अभी देखिए, अभी बात करते हैं बिजली विभाग के लिए, आया था ना 4016 पदों पर, फरवरी जनवरी में लोग एग्जाम करवा रहे थे, जनवरी फरवरी में, देखिए कल ही नोटिस जारी हो गया जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगी, तो कब क्या होता है कोई नहीं जानता है, समझे। और बहुत सारे कंपनियां है जो ऑनलाइन एग्जाम लेती है, बहुत सारे कंपनियां है, एजेंसी बहुत सारे है, समझे, तो ऐसा नहीं है टीसीएस लेगा तभी एग्जाम होगी, देखिए एग्जाम हो रही है कि नहीं हो रही है बिजली विभाग वाले, यही बात है, बहुत सारे ऐसा कंपनियां भी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ये ऐसे में ही आपको सिविल कोर्ट के एग्जाम भी कंडक्ट होगी, इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, समझे कि नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं जो 100% जो 22 दिसंबर की एग्जाम नहीं होगी, बट हम ये बोल रहे हैं अगर ऑफलाइन एग्जाम होती हर चीज होती तभी तक नोटिस आपको देखने को मिल जाता, समझे। और उस दिन मीटिंग में स्पष्ट रूप से हुआ था जो हम एग्जाम लेने में असमर्थ है, इसीलिए एजेंसी को जल्द से जल्द खोजिए और एग्जाम कंडक्ट करवाइए, समझे कि नहीं। तो आप इसे स्पष्ट समझ सकते हैं एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगी, समझे कि नहीं। और ये बताए थे ये प्रस्तावित डेट है, ये कोई फाइनल डेट नहीं है, कोई नोटिस नहीं आई है जो इस डेट में आपका एग्जाम होगा, समझे कि नहीं। तो बार बार हम आपको कह रहे हैं, हमें किसी कोई टीचर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, आप भी सोशल मीडिया पर न्यूज देते हैं और हम भी देते हैं, ठीक है, बच्चे को जहां अच्छा लगता है बच्चे वहीं जुड़ते हैं, इसलिए आइंदा बोलने से 100 बार पहले आप सोचेंगे कि किसके बारे में हम क्या बोलते हैं, समझे कि नहीं। उम्र में बहुत सारे लोग हमसे बड़े हैं,
ठीक है, नॉलेज सबको क्या है सब जान रहे हैं, इसीलिए आइंदा बोलने से पहले 100 बार आप सोचिए, ठीक है। इस वीडियो में हम यही जानकारी दे रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर 15 नंबर को नोटिस आएगी तो सोचिए एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एजेंसी अगर मिल जाएगा तभी नोटिस आपको आएगी, अगर एजेंसी नहीं मिलेगा तो 15 नंबर को नोटिस आपको नहीं देखने को मिलेगा, उससे पहले भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, आपको जो भी कहना है आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देंगे, जो कौन मेरे बारे में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।